रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान सिद्ध हों। साथ ही साथ शुचिता, सुंदरता, स्वच्छता, शील और स्नेह से संपन्न मनुष्य हों। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, राजनीति की, विकास की स्वस्थ परिभाषा उद्घोषित हो, उसे क्रियान्वित करने का प्रकल्प हो, यह मेरा संदेश। इसी अभिप्राय से आप बुलाए गए। अब आपको जो पूछना हो पूछिए। सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चपेट से मुक्त हो और उसे अपने दायित्व का परिज्ञान हो, जनता में और जनप्रतिनिधि में सद्भाव पूर्वक सामंजस्य के अनुसार समय समय पर संवाद हो तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। दूर होता है तो हमको प्रसन्नता है, लेकिन शासन तंत्र का दायित्व तो होता है कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई कदम उठावे तो हम लोगों से संपर्क साधे। शासन तंत्र ने हम लोगों से कोई संपर्क नहीं साधा है। मैंने आपको संकेत किया कि नरसिंह राव के शासनकाल में रामालय ट्रस्ट बना था, पुरी के शंकराचार्य मैंने हस्ताक्षर नहीं किया था, बाकी मान्य आचार्यों ने हस्ताक्षर किया था। फिर भी नरसिंह राव मंदिर मस्जिद बनाने का साहस नहीं जुटा सके। अब पार्लियामेंट के माध्यम से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 5 एकड़ ज़मीन भी उपहार के रूप में किसी तंत्र को दे दी गई है और सरकार ने 25 किलोमीटर दूर सही ज़मीन देने का निश्चय भी कर लिया है। संकेत पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश की बात है, कहीं इसी प्रकार का निर्णय उपहार मथुरा और काशी को लेकर भी क्रियान्वित हुआ तो केवल उत्तर प्रदेश में 3 नए पाकिस्तान बनने का प्रकल्प तैयार होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।